अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे। तो आज बड़े दिनों के बाद मैं निकली थी बच्चों के साथ खेलने के लिए किड्स सॉफ्ट प्ले में, यानी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन माशाल्लाह अपनी माओं के साथ आए थे, तो वहाँ पे साथ मैं भी आ गई। ग्लासगो में जगह है और यहाँ साथ ही फौज शॉप है, इनडोर मार्केट है। अभी आपको वहाँ की सैर कराऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा पहले आप लोगों को मैं कारपेट शॉप दिखा दूँ। साथ ही कारपेट शॉप थी क्योंकि अभी सब के आने में थोड़ी देर थी, तो सोचा कि यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या प्राइसेस हैं इनकी। तो काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है न्यू ईयर का इन्होंने लगाया हुआ है। ये देखें 33.99 पर मीटर की जगह इन्होंने 21.99 किया हुआ है। ऐसे ही सब कारपेट्स सेल पे हैं, जो ओरिजिनल प्राइस थी उससे उन्होंने काफ़ी कम की हुई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। और वैसे भी मैंने कारपेट पर ट्रैक्टर लेना था और डोरमैट लेना था, तो ये भी सोचा कि यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाएगा तो ले लूँगी, लेकिन अच्छा यहाँ से नहीं मिला था। तो इसके बाद बच्चे माशाल्लाह आ चुके थे, जमा हो चुके थे, तो जब हम गए किड्स सॉफ्ट प्ले में तो वो अभी फुल था। उन्होंने कहा कि आधे घंटे बाद आना, फिर इंशाल्लाह ताला उसमें जगह हो जाएगी। तो हमने सोचा कि तब तक हम फौज मार्केट देख लेते हैं। तो ये पहले हम थोड़ा सा बाहर से व्यू कर लेते हैं कि इस तरह की डोर है बाहर से, और ये साथ ही पार्किंग भी साथ में ही है, तो बड़ा ही इंजॉय किया हम लोगों ने वहाँ पे। अच्छी अच्छी चीज़ें देखी लेकिन शॉपिंग बहुत ही कम की। तो यहाँ पे ये बाहर से देख लें कि इनका बोर्ड लगा हुआ है कि कौन कौन से दिन उन्होंने खोलना होता है। और ये फ्लावर्स मुझे बेहद पसंद आए, माशाल्लाह फ्रेश फ्लावर्स थे। तो ये पहले आप लोग देख लें, इसके बाद इंशाल्लाह ताला अंदर चलेंगे। ये सब इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं एंट्रेंस में, और ये डेकोरेशन पीस हैं अगर किसी ने किसी को गिफ्ट देना हो तो। और इस तरफ भी ये फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल अमेजिंग माशाल्लाह। और इनमें से कुछ फ्रेश फ्लावर्स थे और कुछ आर्टिफिशियल थे, लेकिन ज़्यादातर मुझे ये लगा कि ज़्यादातर फ्रेश फ्लावर्स ही हैं। ये पर्पल कलर के बड़े खूबसूरत हैं, और ये और बच्चे तो माशाल्लाह अंदर चले गए। और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो बना लूँ फिर जाऊँगी अंदर। और मुझे यहाँ पे बहुत ही मैंने इंजॉय किया ये प्यारी प्यारी सी चीज़ें देख के माशाल्लाह। तो अंदर से हॉल बहुत ही बड़ा है, तो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को ये यहाँ से दिखा दूँ, ये गिफ्ट वगैरह घर की डेकोरेशन के लिए ये जो चीज़ें हैं। और अंदर से तो माशाल्लाह मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, और मैं पहली दफ़ा वैसे भी यहाँ पे आई हूँ, तो ये ब्यूटीफुल फॉर मॉम माशाल्लाह। और ये फिर ये देख रहे हैं, और ये इस तरफ देखें, ये सब कैंडल्स वगैरह हैं। फिर अंदर हम अब आ गए हैं, तो ये अंदर आते ही पहले इस तरफ ये स्टॉल लगा हुआ है खाने वगैरह का, और ये फिर से फ्लावर्स हैं, सब फ्रेश फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। फिर इस तरफ भी देख लें, राइट लेफ्ट दोनों तरफ सबसे पहले फ्लावर्स का ही स्टॉल है, अमेजिंग ब्यूटीफुल। और ये देखें, ये हार्ट बना हुआ है फ्लावर्स का, और ये फ्रेश नहीं है शायद। देखते जाएं जी, ये हीटर्स बड़े खूबसूरत लगे हुए हैं इस तरफ, और ये
ये डेकोरेशन पीस लव का ब्यूटीफुल अमेजिंग। हर चीज़ अभी सेल पे ही है। और ये इस तरफ ये देख लें व्हील चेयर्स, फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ से तो दूर दूर से मैंने बनाई हैं, लेकिन एक ख़ास शॉप थी तो उनकी इजाज़त लेकर फिर मैंने उनकी सब की सब बनाई, वो आपको इंशाल्लाह ताला आखिर में दिखाएंगे। ये देख लेंगे वीडियो बनाई। और ये दूर से तो ऐसे लगता है जैसे रियल आग है, लेकिन एक्चुअली ये आग नहीं है और ना ही ये हीट है। ये वैसे डेकोरेशन के लिए है, लेकिन मीटिंग के लिए तो आग है, एक बटन होता है वो क्लिक करना होता है या उसे ऑन करना होता है। ये सब सेल पे हैं, लेकिन बड़े खूबसूरत और बड़ी प्यारी ये जो उन्होंने लगाया हुआ ना बल्ब वगैरह, बड़े प्यारे लगे। इसमें से स्टीम भी निकलती है और स्टीम को हाथ लगा के मैंने देखा तो स्टीम फील होती है हाथों को, लेकर आगे मैं दिखाऊंगी। मैंने हाथ लगा के आप लोगों को दिखाया है, देखने थोड़ा और वेट करें। ये देखते हैं आप लोग इस तरह, ये देखें स्टीम निकलती हुई हमें बहुत प्यारी लगी है इसकी। यहाँ पे मैंने आप लोगों का हाथ लगा के दिखाया है, तो हाथों को फील हुआ ये जो है स्टीम निकलती हुई, लेकिन हीट नहीं थी। कितनी कितनी कल दी अल्लाह सुबहान अल्लाह ने इंसान को, देख लीजिए। अब इस तरफ फिर आ जाते हैं हम, ये ब्यूटीफुल स्टॉल है इनका। और ये देख लें कलर चेंज होते हैं, ये जो विशाल में रखी हुई है उन्होंने लाइट, इस तरफ भी देख लें सब डेकोरेशंस हैं। Amazing decorations, beautiful, so beautiful, mashallah. और ये इस तरफ बेड वगैरह भी उन्होंने रखे हुए हैं स्टॉल में ही। पीस है ये भी, ये इस तरह ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। और लेकिन क्योंकि मेरे खुद के रिश्तेदार हैं, उनका खुद का हार्डवेयर है, तो मैं तो वहाँ से ये सब आप लोगों को दिखाया है। This is so beautiful, color changing. कितने प्यारे लग रहे हैं, कलर चेंज हो रहे हैं इसके। यहाँ पे आ जाते हैं वॉशिंग मशीन, ड्रायर्स, इस तरह के बच्चों का यहाँ भी प्ले एरिया इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन हमारे बच्चों को यहाँ पे जाने की इंटरेस्ट नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जाना था किड्स सॉफ्ट प्ले में। और ये हमारी पाकिस्तानी बहन का स्टॉल है, और यहाँ पे उनसे बातचीत भी हुई, फिर उनसे मैंने इजाज़त ली तो उन्होंने कहा कि जी बनाएं, खूब बनाएं, अच्छी तरह से बनाएं। बल्कि वो खुद मुझे बताती भी रही कि यहाँ से भी बना लें आप, यहाँ से भी बना लें। तो माशाल्लाह बड़ी अख्लाकमंद थी। और यहाँ से फिर मैंने एक जंपर ले ली, तो वो दिखाती हूँ कि कौन सी मैंने ली थी। अब ये देख लें इनका स्टॉल बड़ा ही खूबसूरत है, रीज़नेबल प्राइसेस हैं ये। और ये स्टाची के ऊपर उन्होंने हेड नहीं लगाया हुआ, बल्कि ये बहुत अच्छा किया उन्होंने।
फिर मैंने उनकी हौसला अफजाई भी की। और ये देखें, इसके ऊपर भी हेड नहीं है, और ये जो मुजस्मा दूसरा है उसकी आईज़ भी नहीं बनी हुई। और ये देख लें, ये जंपर्स बड़ी, ये टॉप्स बड़े प्यारे हैं। जंपर्स की तरफ आएंगे और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी फिर ले ली थी। और ये सब इनका स्टॉल अच्छी तरह से आप देखें। और ये जी सॉक्सेस देख लें, गरम सॉक्सेस हैं। और ये एप्रन, ये टॉप आ गए फिर इस तरफ। और ये देखिए जी, ये कोट है इस तरफ। और मुझे कुछ खरीदने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जंपर मेरे ख्याल में आ गई कि ये मैं ले ही लूँ। और ये बड़ी खूबसूरत जंपर थी, हमारी बहन ने कहा कि ये मैंने खुद भी पहनी थी और अभी तक पहनी हुई हूँ, तो कई दफ़ा मैंने इसे वॉश किया, ये ख़राब नहीं होती, तो फिर मैंने कहा मैं ले ही लूँ। और वैसे भी मुझे ये खुशी थी कि अखलाकमंद है और इसने वीडियो बनाने की भी इजाज़त दी है, तो वैसे तो मैं किसी और से नहीं पूछती, ये हमारी बहन थी, मैंने इनसे पूछ लिया कि बना ही लेते हैं फिर, और वो बड़ी खुश भी हुई माशाल्लाह। तो ये देख रहे हैं इस तरफ भी बड़े खूबसूरत टॉप हैं। और हमेशा जब भी हम किसी की वीडियो बनाएँ तो हमें चाहिए कि हम उनकी इजाज़त ज़रूर ले लें, हाँ दूर दूर से जिसकी मर्ज़ी बना लें। ये देखें जी, ये बड़े खूबसूरत हैं, अमेजिंग प्राइसेस हर एक के ऊपर लगी हुई हैं, रीजनेबल प्राइसेस हैं। कोट, जंपर, ट्राउजर्स, सॉक्सर्स, कुछ भी आपने लेना हो तो इस स्टॉल में हर एक चीज़ मौजूद है माशाल्लाह। अच्छा जी, ये आखिरी थोड़ा सा पार्ट है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए ताकि मेरी हौसला अफज़ाई हो। और आपको फिर कभी बाहर निकली तो आप लोगों के लिए फिर से मैं कुछ ना कुछ और रिकॉर्ड करके लेके आऊँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आखिरी पार्ट आप खुद ही देख लीजिए और दुआओं में याद रखिए। और इस तरफ नाइटीज भी हैं, ये देख लीजिए रखा हुआ है नाइटीज के साथ। और मुझे एक बात की और खुशी हुई कि यहाँ पे जब नमाज का वक्त था तो इनके हस्बैंड ने यहाँ पे चेयर के ऊपर बैठ के अपनी नमाज अदा की, तो माशाल्लाह नमाजी भी हैं। और ये देखें जी, इस तरफ भी हैं जंपर्स, ये स्कर्ट्स हैं, और थोड़ा सा और भी लोग रहते हैं, वो आप लोग देख लें और ज़रूर एंड तक देखें।